हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो एजुगिरी पर आई वाज नॉट एबल टू पोस्ट 25th का वीडियो एनालिसिस का बिकॉज आई वाजंट वेल। तो आज हम ये एनालिसिस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले केरला हाउस पासिस रेजोल्यूशन। केरला का जो लेजिस्लेचर है उसने रेजोल्यूशन पास किया है टू नेम द स्टेट करेलम, जो मलयालम में उसको बोलते हैं वो। द केरला असेंबली इन अ यूनानिमस डिसीजन ऑन मंडे पास अ रेजोल्यूशन प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट टू केरलम। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ये पावर किसके पास है? क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास है? नहीं, ये पावर जो है ये पावर आपकी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, बहुत कुछ कर सकती है। ऑल्टर बाउंड्री, ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज कर सकती है। तो चेंज कौन कर सकता है नेम ऑफ द स्टेट? ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर। एंड तभी जो केरला की हाउस है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। द रेजोल्यूशन मूव बाय चीफ मिनिस्टर पिनारायी विजयन कॉल फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इफेक्चुएट दिस चेंज इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 के अंदर, ये ध्यान से हमें पढ़ना है, आर्टिकल 3 के अंदर पावर किसको दी हुई है? जो हमने अभी पढ़ा, पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कि ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नेम। और ये फर्स्ट शेड्यूल में सारी स्टेट्स का नाम मेंशन है, तो चेंज किस में होगा? अल्टीमेटली फर्स्ट शेड्यूल में होगा। ठीक है, द रेजोल्यूशन मिरर्स एन अटेम्प्ट फ्रॉम लास्ट ईयर व्हिच वाज सेट बैक बाय द सेंटर ड्यू टू प्रोसीजरल इश्यूज। अब यहां भी ये रेजोल्यूशन लास्ट ईयर भी लेकर आई गई थी, बट लास्ट ईयर प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से वापस भेज दी गई थी। Mr. Vijayan said, despite Kerala being the Malayalam name of the state, it continues to be officially recorded as Kerala. The move aims to align the... तो यहाँ पर officially ये Kerala रहेगा, but Kerala भी रहेगा, ऐसे कुछ changes किए हैं। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या changes भी हैं। Originally, the state sought to amend the name across all languages listed in 8th schedule of the constitution to Kerala. However, following an advice from the Union Home Ministry, the focus shifted to amending only first schedule. तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि हर जगह हर लैंग्वेज में करेलम नाम होगा तो 8th शेड्यूल में चेंज होगा, बट अब उन्होंने कहा कि ठीक है हम सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल में करते हैं, प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर शिफ्टेड द फोकस टू अमेंडमेंट ओनली इन फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर केरला असेंबली लिखेंगे, केरला असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन proposing constitutional amendment to change the name of the state to Kerala। तो यहाँ पर ये करेला के केरला के पीछे एम लगा देंगे तो करेलम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चला है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेजोल्यूशन मूव बाय आर्टिकल, ठीक है ना, रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल। इन्वोकिंग का मतलब यूजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल, इन्वोकिंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to bring this change in first schedule। ठीक है ना, फर्स्ट शेड्यूल। तो रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग दिस चेंज इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में चेंज लेकर आएंगे इसे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 3 empowers parliament to alter the name of state। alter मतलब change, तो parliament के पास power है to change। earlier amendment किस में कह रहे थे कि 8th schedule में होगा, first schedule में होगा, ठीक है ना। केरलम जो है, केरलम being मलयालम name of the state। तो मलयालम में अभी ये केरलम बोला जाएगा, बट बाकी सभी लैंग्वेज में केरला
बोला जाएगा, ठीक है ना, मलयालम प्रोनाउंसिएशन. तो ये मलयालम नेम हो गया, मलयालम प्रोनाउंसिएशन होगा. तो केरला का नाम केरलम के लिए प्रपोजल है, प्रपोजिंग येट, मतलब प्रपोजल मतलब अभी हुआ नहीं है, हो सकता है. और इसमें हमें पता हुआ है आर्टिकल 3 किसको पावर देता है टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट को. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ममता सेज बंगाल मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन एनी टॉक्स ऑफ शेयरिंग टीस्टा वाटर. अब ये टीस्टा वाटर वाला जो इन्वॉल्वमेंट है, ये हमने संडे वाले जो क्लास है उसके अंदर बहुत अच्छे से टीस्टा वाटर अग्रीमेंट जो है वो डिस्कस किया है कि कैसे बांग्लादेश जो है वो टीस्टा का पानी पर अग्रीमेंट चाहता है. वेस्ट बंगाल जो CM है वो बार बार बोल रही है कि मेरे को इन्वॉल्व रखना. 2011 में भी अग्रीमेंट होने वाला था टीस्टा रिवर पे, बट ममता बनर्जी ने वॉकआउट कर दिया था उस डील से. ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज अ रेपिटेशन. द केरला हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट केसेस रिलेटिंग टू सेक्चुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर एंड केसेस रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट एज वेल एज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1988 कैनॉट बी क्वैश मेनली ऑन ग्राउंड ऑफ सेटलमेंट. तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेज नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो सकती है. आप ये नहीं कह सकते चलो छोड़ो हम केस नहीं करेंगे, तुम ये कर लो, तुम माफी मांग लो, तुम पैसा दे दो. नहीं, इन वाले केसेस में सेटलमेंट नहीं होती है, वैसे भी नहीं होती है. ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते कौन से हाईकोर्ट ने बोला है. केरला हाईकोर्ट सेज नो सेटलमेंट अलाउड इन सेक्चुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर एंड केसेस रजिस्टर्ड. सबसे पहले और केसेस रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस. ठीक है ना, और कौन से में होगा, ऑफेंसेस एज वेल एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. ठीक है ना, सेटलमेंट नॉट अलाउड. और यहां पे टर्म क्या यूज करिए, नॉट क्वैश्ड. Cannot be quashed का मतलब कि ये केसेस खत्म नहीं हो सकते ऑन बेसिस ऑफ अग्रीमेंट, कि मान गए कि पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गई. कौन से, जो सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट माइनर है, माइनर कौन होता है जो 18 ईयर से कम है, पॉक्सो के केसेस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले जो केसेस हैं उसके अंदर सेटलमेंट नहीं अलाउड है, ये केरला हाईकोर्ट ने बोला है. श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग विल प्रमोट ग्लोबल लिंक्स. श्रीनगर हैज अर्न द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेंगे श्रीलंका ने, श्रीनगर गॉट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल. एक मिनट, ये अच्छे से लिखते हैं. श्रीनगर got World Craft City Tag from World Crafts Council. ठीक है ना, अब यहां पर World Craft Council क्या है, a NGO working to empower artisans जो ऐसे हैंडक्राफ्ट वगैरह पे काम करते हैं. ठीक है ना, एंड सेव गार्ड हेरिटेज बचाने के लिए और आर्टिसंस को एम्पावर करने के लिए काम करते हैं. बहुत बढ़िया. स्किल बेस्ड, दिस विल प्रोवाइड अ बूस्ट टू कश्मीर्स ट्रेडिशनल लिंकेजेस विद सेंट्रल एशिया, ईरान. ठीक है, तो जो वहाँ का आर्टिसन है उसको बहुत, देर आर 14 ईरानियन सिटीज लिस्टेड एज क्राफ्ट सिटीज बाय काउंसिल. तो यहाँ पर 14 ईरान सिटीज लिस्टेड एज क्राफ्ट सिटीज. द काउंसिल इज मॉडर्न डे मीन्स एंड मीडियम टू पुट फोकस ऑन प्लेसेस दैट हैव बीन एंगेज्ड इन
काउंसिल पुट्स फोकस ऑन प्लेसेस दैट हैव बीन engaged in creativity and aesthetics. Aesthetics क्या होता है, एक matching करवाना, ठीक है ना, किसी चीज़ का aesthetic for centuries. जहाँ पर creativity चली आ रही है, देखो अब carpet लेना है तो कश्मीर का नाम आएगा, right? तो वहाँ को ये council promote करती है. 14 Iranian cities हैं, तो मतलब ये craftsmen और ये wild craft city का tag कौन से को मिला है, श्रीनगर को मिला है. This is very very important. उसके बाद आगे चलेंगे निकोबार ट्रायंगल. तो निकोबार में क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर मैंने बताया था कि पेड़ काटने की बात हो रही है, बहुत सारे पेड़ काटने की बात करी जा रही है अंडमान निकोबार में, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है. तो पढ़ लेते हैं, द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री विल बी लुकिंग इन टू द फॉरेस्ट क्लियरेंस पेपर वर्क ऑफ रुपीज 72,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुआल ओरम टोल्ड दिस न्यूज़पेपर. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोजेक्ट है रुपीज 72,000 करोड़ का, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अंडमान निकोबार में जो होने वाला है, वो रिविजिट करेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है जी, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसको क्या बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. वहां पर एक शिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाउनशिप डेवलपमेंट एंड अ 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट ऑन द आइलैंड. द प्रोजेक्ट एरिया इज एक्सपेक्टेड टू कवर 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द प्रिस्टीन फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट है वहां से वो कटेगा. वन ऑफ द मैंडेटरी प्री रिक्वेस्ट बाय एन एक्सपर्ट कमिटी द गवर्नमेंट टोल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, हैज बीन अकॉर्डेड अ स्टेज वन. तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल गया है कि पेड़ काट सकते हो. द गवर्नमेंट टोल्ड पार्लियामेंट इन 2023 दैट 9.6 लाख ट्रीज could be felled and compensatory for afforestation for the loss of this unique rainforest ecosystem had been planned thousands of kilometers away in the vastly different ecological zone of Haryana. अब यहाँ पर problem क्या है कि यहाँ से कुछ लाखों around 10 lakh trees are going to be cut, but उसकी replantation कहाँ पे कर रहे हैं, replantation तो हरियाणा में हो रही है, ठीक है ना, ये भी एक दिक्कत वाली बात है. अभी कुछ भी लिखना नहीं है, लिखेंगे हम. The Galathi Bay in Nicobar Island hosts multiple rare species including the leatherback turtle and the project imperils their future. तो वहाँ पे leatherback turtle भी मिलता है गालथी बे में, और उनका future जो है वो बहुत ज़्यादा problematic हो सकता है इन turtles का. The government contends that its motive is to leverage the strategic location of the great Nicobar Island located 90 km away from the western tip of Malacca Strait, an important shipping route between Indian Ocean and South China Sea. अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो Malacca Strait है वो किसका route है. However, critics and some of the government policy advisors suggest that tourism is key इंपेरेटिव. अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमको इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस खींचना है और ये सब करना है, ठीक है. The National NGT has tasked a committee headed by Secretary of Environment Ministry to submit a report on the approval of forest clearance. ठीक है, तो NGT क्या करती है, only and only environment related cases करती है. Environment related cases जहाँ पर भी environment effect होगा वहाँ पर NGT आ जाएगी और जल्दी से वो case को देखेगी, ठीक है, वो specially ये वाले cases करती है. तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे Great Nicobar Project. अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, सबसे पहले, ठीक है ना, द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ रुपीज 72,000 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, रुपीज 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है ना, is to be revisited due to environmental issues, ठीक है, environmental issues जो हो सकते हैं due to the project, ठीक है. अब यहाँ पर थर्ड जो चीज़ हमने करनी है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं जंगल में, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेंगे. ज्वेलरी इतनी ज़्यादा बीवियाँ बनाती है, वो कहते हैं हे भगवान इसको कुछ समझाओ, ऐसे याद कर सकते हैं. तो ग्रेट, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
टाउनशिप, एयरपोर्ट, ठीक है ना, और 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर डेवलप होंगी। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट स्टेज वन एनवायरनमेंट, द प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड, लिखेंगे द प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड स्टेज वन एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्टेज वन क्लियरेंस मिल गई है। अब इतने कितने पेड़ काटे जाएंगे, 9.6 लाख ट्रीज कुड बी फेल्ड, तो काटे जाएंगे इतने ट्रीज, और इसकी जगह 1000 वाइल्ड इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन कहाँ पर हो रही है, एफॉरेस्टेशन क्या होती है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, डीफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज, एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है ना। और ये कहाँ पर कर रहे हैं प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये हरियाणा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतनी दूर कहाँ, हरियाणा कहाँ, अंडेमान निकोबार, इकोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। सेवन में हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, गाला थी, ठीक है ना, गाला थी, गाला के वो मॉप आते हैं, देखें घर में सफाई करिए, जब दीदी नहीं आती है, आंटी नहीं आते, तो गाला के मॉप्स भी आते हैं ना, तो वो गाला, गाला थी, अभी गाला जो थी वो थी, अगर दीदी काम करने आगे घर पे, हम कहते हैं गाला थी, ठीक है, अब हम वो मॉप नहीं उठाएंगे, तो गाला थी बे जो है, ठीक है ना, होस्ट्स लेदर बैक टर्टल्स, वो कहाँ जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए लेदर बैक टर्टल अंडमान निकोबार में बार में कहाँ पर है, गाला थी बे में, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर मलाका स्ट्रेट के बारे में बात करें, क्या बात करें, मलाका स्ट्रेट के बारे में। अब जो मलाका स्ट्रेट है वो किसका क्या है, इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट, इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट, शिपिंग रूट बिटवीन इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है हम इसका अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, लोकेशन का यूज़ करना चाहते हैं शिपिंग रूट वगैरह के लिए, बट यहाँ पर जो अपोजिशन या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं ये टूरिज्म के लिए कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा है, ठीक है, नाइन पॉइंट का बनेगा NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ टास्क्ड a committee headed by Secretary of Environment Ministry to submit a report on approval of forest क्लियरेंसेस, कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिली हैं कि आप काट दो 9 लाख ट्रीज, वो कैसे मिली हैं, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बोला है NGT ने। NGT क्या है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस सुनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल इशूज़ के जो केसेस होते हैं वो सुनते हैं। और ये क्यों बनाया गया, कि इन्वायरमेंटल इशूज़ ऐसे अगर 10 साल बाद डिसाइड करोगे तब तो हार्म हो जाएगा, ये इमीडिएटली स्पीडी डिसीजन चाहिए, तो इसलिए NGTs बनाए गए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, ठीक है, ये PYQ है फुल फॉर्म। चलिए, ये था अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट और इसको रिकंसिडर करा जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। फ्रॉम कॉलिंग इंडिया बुली टू विजिटिंग न्यू दिल्ली एज एन इनवाइटी टू द स्वेयरिंग इन ऑफ नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर मोहम्मद मुइजू की बात हो रही है। मोहम्मद मुइजू कौन है, ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स के अंदर ना इंडिया आउट कैंपेन चलता है और इंडिया फर्स्ट कैंपेन चलता है, क्या चलता है, इंडिया आउट कैंपेन चलता है और इंडिया फर्स्ट कैंपेन चलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, पार्टीज हैं जो इंडिया फर्स्ट कैंपेन के साथ हैं कुछ और इंडिया आउट कैंपेन के साथ है। जो इस बार पावर में आए हैं वो मोहम्मद मुइजू आए हैं, कौन आए पावर में, मोहम्मद मुइजू आए हैं एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन इंडिया आउट कैंपेन। अब इंडिया आउट कैंपेन का मतलब क्या है, इंडिया के सोल्जर्स जो थे वहां पर, इनको जो हमने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए हैं, हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए हैं, वो चला रहे थे इनके लिए, तो इन्होंने कहा हमको ये सोल्जर्स नहीं चाहिए, आप यहां पर चलाने वाले कोई और भेजो, तो इसी को इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन बनाया और इसी पे मुइजू जो हैं
वो पावर में भी आए, प्रेसिडेंट बने, लोगों ने उनको वोट किया कि अरे हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है. तो एक तरह से ही मेड अ फूल ऑफ पीपल, एंड पीपल बेचारे उनको नहीं समझती. ठीक है, उसके बाद मोहम्मद मुइजू जो है वो प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया आउट कैंपेन चलाते हैं, वो चाइना को प्रेफरेंस देते हैं, चाइना उनको बहुत पसंद है. ठीक है ना, और जो इससे पहले सोली ही थे, ठीक है ना, वो इंडिया आउट कैंपेन नहीं, वो इंडिया फर्स्ट कैंपेन करते थे और चाइना को इग्नोर करते थे. तो अभी जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उनका क्या है, इंडिया आउट कैंपेन, मतलब वो इंडिया को प्रेफर नहीं करते हैं, वो चाइना को प्रेफर करते हैं. ठीक है, और चाइना भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम भी कर रहा है. तो चाइना इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मेल्स एक्सपेक्टेशन, तो मालदीव की जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम शॉर्ट पड़ रहा है. मिस्टर मुइजू'स विजिट टू चाइना इन जनवरी 2024 सो बोथ कंट्री साइनिंग ओवर 20 अग्रीमेंट्स. देयर वाज आल्सो अग्रीमेंट टू रिवाइव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. अब बीएनआर इनिशिएटिव जो है, ठीक है ना, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, चाइना का इनिशिएटिव है. ठीक है ना, और इसके अंदर चाइना का मेन एम क्या है, ट्रेड कनेक्टिविटी. हमने जून में ही बहुत बार ये पढ़ लिया है, इसकी मीटिंग भी हुई थी पाकिस्तान के साथ. ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना, इसके ऊपर भी बात हुई. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं. ठीक है ना, तो हमें बस लिखना कुछ भी नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है. अगर आपके नोट्स में वो नहीं मेंशनड है तो वो होना चाहिए, प्रॉबेबली होगा, क्योंकि जब स्वेयरिंग इन हुई तब भी हमने इसी बारे में बात करी थी. ठीक है, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश दैट. अब यहाँ पर हिमालयन रीजन की बात करिए, क्योंकि रेनी सीजन आ गया है, रेनी सीजन इज़ बैक. तो हिमालयन रीजन में बात हो रही है कि क्या चीज़ें हैं, ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है. तो देखते हैं, इट इज़ अ वेल इस्टेब्लिश फैक्ट दैट द इंडियन हिमालयन रीजन इज़ बोथ इंडियाज वाटर टावर एंड ऑल्सो द क्रिटिकल प्रोवाइडर ऑफ इनवैल्यूएबल इको सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें पानी जो है, वाटर जो है, वो हमें हिमालय से आता है, एंड इको सिस्टम, बहुत सारा इन्वायरमेंट और ये सब भी हम उसी पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है जी, ओके, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है. डिस्पाइट द अंडरस्टैंडिंग देयर हैज बीन ऑलवेज सम डिसोनेंस बिटवीन द स्पेशल डेवलपमेंट डीज. डिसोनेंस, लैक ऑफ अग्रीमेंट. डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, डिसोनेंस लैक ऑफ अग्रीमेंट, लैक ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पीपल, लोगों में अग्रीमेंट नहीं है. ठीक है, अब आगे चलेंगे. यहां पर डिसोनेंस बिटवीन द स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स. अब वो क्या कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमालयन रीजन सिक्किम हो गया, इनकी स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स है, उसको हम नहीं समझ रहे हैं. इन व्यू ऑफ सम ऑफ द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वी सीम टू बी हेडेड टुवर्ड्स अ मोर रॉबस्ट राइट्स रिजीम, बेस्ड रिजीम वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड बी फंडामेंटल राइट. द टोन एंड टेनर ऑफ कोर्ट्स जजमेंट हाईलाइटिंग द कम्पीटिंग राइट्स ऑफ द पीपल एंड नेचर आर अ क्लियर साइन ऑफ डायरेक्शन इन विच द डेवलपमेंट. अब यहाँ पे जजमेंट्स आई हैं जिसके बारे में बात करें, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेज मोहम्मद अब्दुल कासिम, द कोर्ट हैड सेड दैट द नीड ऑफ द आर इज टू अडॉप्ट एन इको सेंट्रिक व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट वेयर नेचर इज द एट कोर. क्या कह रहे हैं, द कोर्ट सेड मैन बींग एन इनलाइटेंड स्पीशीज इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द अर्थ. वो क्या कह रहे हैं कि हम ट्रस्टी ऑफ द अर्थ हैं, हमें अर्थ का ध्यान रखना है. द टाइम हैज कम फॉर मैनकाइंड टू लिव सस्टेनेबली एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ रिवर्स. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि राइट है, अर्थ की भी राइट है, नेचर की भी राइट है. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच नेचर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन बट हैज अ सब्जेक्ट विद फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू एग्जिस्ट सर्वाइव. तो वो कह रहे हैं कि नेचर की भी खुद की फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू सर्वाइव. तो यहाँ पर हम लिखेंगे State of Telangana versus Muhammad Abdul Qasim. ठीक है ना, इसके अंदर क्या बोला गया है, Man is a trustee of earth. ठीक है ना, टाइम हैज कम फॉर मैनकाइंड टू लिव सस्टेनेबली एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ रिवर्स, लेक्स, बीचेस, एस्चुरीज, ridges, trees, mountains. तो वो कह रहे हैं इनकी भी rights होनी चाहिए. मतलब क्या कह रहे हैं, ठीक है, instead of protecting nature, it has its own
फंडामेंटल राइट्स, उसकी खुद की फंडामेंटल राइट्स भी हैं, एज इट्स फंडामेंटल राइट्स टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव एंड टू परसिस्ट एंड रीजनरेट वाइटल साइकल्स. मतलब नेचर की भी खुद की फंडामेंटल राइट्स हैं, ये वो बोल रहे हैं कि नेचर हैज़ इट्स ओन फंडामेंटल राइट, इट हैज़ राइट टू एग्जिस्ट. हम इसके प्रोटेक्टर नहीं है, वी हैव आर ओन फंडामेंटल राइट. अ पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑन द फ्लड इन 2023 इन हिमाचल प्रदेश आइडेंटिफाइड अनसरप्राइजिंगली रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन. बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है हिमाचल प्रदेश में. इन वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स, रूल्स नहीं फॉलो करे जा रहे हैं, एंड इवन कोर्ट ऑर्डर्स इन मेनी केसेस राइट ऑन रिवर बेड्स, फ्लड प्लेन्स एंड ऑन स्टीप स्लोप्स, सेस्मिक जोन्स. यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन, मतलब स्टीप जो फ्लोर है उसमें भी, मतलब स्टीप एरियाज में कंस्ट्रक्शन जहाँ पर नहीं अलाउड वहाँ पर भी हो रहे हैं, रूल्स नहीं फॉलो करे जा रहे हैं. ये नोट नहीं करना है हमें कुछ भी, बस पता होना चाहिए. ऑन मे 17 द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट अलाउड द रिजम्पशन, मतलब वापस से चालू कर दिया है अनाधानम. अनाधानम क्या है? ऑफरिंग फ्री फूड एंड अंगा प्रदाकानम सकम एम्बुलेशन एट द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ नेरूर सदगुरु सादाविसा ब्राह्मेंद्र ऑन द ईव ऑफ हिज जीवा समिति डे. द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग, ये क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग अंगत प्रदक्षिणम बाय रोलिंग ऑन द प्लांटेन लीव्स लेफ्ट बिहाइंड बाय डिवोटीज एंड आफ्टर ईटिंग फूड फ्रॉम देम इन द बिलीव दैट इट वुड ऑफर स्पिरिचुअल बेनिफिट. बाय रोलिंग ऑन द प्लांटेन लीव्स लेफ्ट बिहाइंड द डिवोटीज आफ्टर ईटिंग फूड फ्रॉम देम इन द बिलीव दैट इट वुड ऑफर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, हाउएवर इट वॉज हॉल्टेड बाय डिविजन बेंच. 9 years later, invoking article, ठीक है, the judge linked the belief of devotees who claim to derive spiritual benefit from such practice. He argued that if includes gender and sexual orientation, it is. इसके अंदर आई विल हैव टू रिसर्च मोर, बिकॉज इसके अंदर ये चीज़ क्या है, आई नीड टू रीड मोर ऑन इट एंड देन आई विल डू मोर, लाइक मोर क्लैरिटी, बिकॉज इसके अंदर जो चीज़ें मुझे समझ में आए, नीड टू बी श्योर अबाउट इट. आगे चलेंगे, याद दिला देना, ये कवर हो जाएगा आगे. इन जून 17 द कांग्रेस पार्टी डिमांडेड एन इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल क्लियरेंसेज ग्रांटेड ऑन नीति आयोग्स मेगा ग्रेट निकोबार. ये ग्रेट निकोबार वाला प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है. उसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट डिस्कस हो गया हमारा. द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स डाइवर्जन ऑफ, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया है. आई थिंक ये दोबारा से आ गया बिकॉज न्यूज़पेपर मार्क करते हुए मैं भूल गई कि हो गया है. इंडिया पाक डेलीगेशंस रीच JNK टू इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी. ये भी हम पढ़ चुके हैं बट इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं तो ये पढ़ लेते हैं. डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मंडे फ्लू टू किश्तवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स एंड बिगैन इंस्पेक्शन ऑफ टू पावर प्रोजेक्ट्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी. ठीक है ना, डेलीगेशंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड वर्ल्ड, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक है न्यूट्रल जहाँ तक मुझे याद है. वर्ल्ड बैंक इज द वन. वर्ल्ड बैंक अराइव्ड इन किश्तवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंस्पेक्ट टू डैम्स, ठीक है ना, अंडर इंडस वाटर ट्रीटी IWT, ठीक है ना, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर. तो यहाँ पर हमारी पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है जिसके अंदर हमने कहा है कि जो डैम्स बने हुए हैं, हम डैम्स बना सकते हैं उन रिवर्स पे जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, बट वो एक पर्टिकुलर टाइप के डैम हो गए. अब ये इनको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये डैम बना नहीं सकते हैं, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है. दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ पाकिस्तानी डेलीगेशन टू जम्मू एंड कश्मीर इन मोर देन 5 years अंडर अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ 1960 ट्रीटी. तो यहाँ पर ये 1960 की ट्रीटी है, 1960 की ट्रीटी है, ठीक है. उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान साइन डब्ल्यू आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन विद वर्ल्ड बैंक बींग अ सिग्नेटरी टू द पैक्ट, ठीक है ना. तो वर्ल्ड बैंक फॉर कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू साइड्स. तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पार्टी है, वर्ल्ड बैंक सिग्नेटरी टू द पैक्ट,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है बीच का बंदर है यहाँ पर, ये दोनों की बात सुनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इमिडिएटली आफ्टर लैंडिंग एट द आर्मी कैंप द डेलीगेशन विजिटेड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स। ऑफिशियल सेड एडिंग दैट दे लेफ्ट फॉर द 85 MW रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जो कि 85 मेगावाट का है, ठीक है। और चौथा जो प्रोजेक्ट है, और चौथा पॉइंट में पक्कलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 1000 मेगावाट का है, ठीक है जी। अब इसके अंदर ऑन द ये कौन सी ट्रिब्यूटरी पे है, ऑन द मारुसुदार अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ठीक है ना, एंड अदर पावर प्रोजेक्ट्स इन किश्वर। तो यहाँ पर ये हमें पता चला है कि ये दो ही प्रोजेक्ट्स का इन्होंने करवाया है, दिखाया है पाकिस्तानियों को कि ये देख लो, ठीक है, और जाओ, क्योंकि ये कह रहे थे नहीं इन्होंने गलत कर दिया, तो इनको दिखा रहे हैं कि ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान वाले आए। अब यहाँ पे इंडिया फिलीपींस रीडिस्कवरिंग ईच अदर्स, इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस जो है सप्लाई करी है, ठीक है। टर्मिंग द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडक्टेड बाय फिलीपींस अ गेम चेंजर विच प्रोवाइड्स क्रेडिबल कैपेबिलिटीज फिलीपींस इन वॉयज, ठीक है। तो ये खुश हैं कि हमें दे दी है। 2022 में इन्होंने हमारे साथ प्रोजेक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस, ठीक है ना। 2022 के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट ऑफ $375 million batteries of shore based anti ship variant of BrahMos supersonic cruise missiles, ठीक है ना। तो ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ब्रह्मोस का जो है, इट इज़ अ जॉइंट ब्रह्मोस मिसाइल किसने मिलकर, कौन मिल मिलकर बना रहा है, जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। उसके बाद मेटर्निटी लीव फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू सैरोगेसी। सैरोगेसी में क्या होता है, मिमी मूवी देखी है, वो सैरोगेसी है। तो उसके अंदर एक कमिश्निंग मदर होती है, कमिश्निंग मदर मतलब जिसने कहा है कि हाँ मुझे ये बच्चा चाहिए, और सैरोगेट मदर होती है जो बच्चा अपने पेट में रखती है। सैरोगेट मदर कौन है, शैल मीन द वुमेन हु बियर्स अ चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कमिश्निंग मदर। कमिश्निंग मदर फादर वुड मीन द इंटेंडिंग फादर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न थ्रू सैरोगेसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमिशनिंग मदर विद लेस देन टू, अब यहाँ पे लिखेंगे द सेंटर नोटिफाइड अमेंडेड रूल्स टू अलाउ वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू टेक 180 डेज ऑफ मैटर्निटी लीव इन केस दे हैव चिल्ड्रन थ्रू सैरोगेसी, ठीक है जी। उसके बाद 180 डेज की लीव जो है वो अलाउ करी जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड द कमिश्निंग मदर द इंटेंडिंग मदर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न थ्रू सैरोगेसी चाइल्ड केयर लीव एंड कमिश्निंग फादर पेरेंटिंग लीव ऑफ 15 डेज। रेड द चेंजेस, इन केस ऑफ सैरोगेसी अ सैरोगेट एज वेल एज कमिश्निंग मदर विद लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड 180 डेज इन केस ईदर बोथ ऑफ देम आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कमिश्निंग मदर एंड सैरोगेट मदर टू गेट मदर फादर and surrogate mother
सेरोगेट मदर जो बच्चा बियर कर रही है, ठीक है ना, टू गेट द मदर को ये मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कहाँ पे अमेंडमेंट हुई है, चेंजेस मेड टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972, ठीक है ना। तो यहाँ पर है इन केस ऑफ चाइल्ड बिगॉटन थ्रू सरोगेसी द कमिश्निंग फादर हु इज अ मेल सर्वेंट विद लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड पेटर्निटी लीव ऑफ 15 डेज विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी। जो फादर है उसको 15 डेज की लीव ग्रांट करी जाएगी, ठीक है ना। और जो कमिश्निंग मदर है और जो सैरोगेट मदर है उसको 180 डेज की लीव ग्रांट करी जाएगी अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, 25th का इतना ही था। जो एक न्यूज़ है वो मैं कवर करवा दूंगी, मुझे याद रहेगा। loggery.in पर विजिट कर सकते हैं अगर आपको कंपाइलेशंस चाहिए, अगर आप ये हर रोज़ नहीं देख सकते हो तो कंपाइलेशन है वीडियो लेक्चर्स पूरे मंथ की, करंट अफेयर्स, MCQs है हमारे पास एंड मॉक टेस्ट है, ठीक है। सो यू कैन विजिट आर वेबसाइट loggery.in। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।